खबर राजस्थान के प्रतापगढ़ से है। प्रतापगढ़ में गुरुवार को स्थानीय सूचना केंद्र में जिले के समस्त पत्रकारों की बैठक का आयोजन IFWJ के बैनर तले किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष के पद पर दैनिक नवज्योति ब्यूरो चीफ राकेश सोनी को मनोनीत किया गया। वहीं प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार जिले की कार्यकारिणी का गठन भी किया गया, साथ ही उपखंड अध्यक्षों की भी नियुक्तियां की गई। नवनियुक्त प्रवक्ता किशोर छाबड़ा ने बताया कि सूचना केंद्र के सभागार में गुरुवार को IFWJ के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राकेश सोनी की अध्यक्षता, जिला सूचना और जनसंपर्क अधिकारी TR कंडारा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि चतुर्वेदी और संरक्षक शेख मोहम्मद हुसैन आसिफ के आतिथ्य में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। नवगठित कार्यकारिणी में जिलाध्यक्ष का प्रस्ताव सचिव मुकेश पाटीदार ने रखा, जिसका समर्थन करते हुए सभी पत्रकारों से सहमति जताई। इसी प्रकार अन्य पदाधिकारियों का भी सर्वसहमति से चयन किया गया। इससे पूर्व बैठक में उपाध्यक्ष मनोज राठौड़ ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन में शक्ति तभी होगी जब निस्वार्थ भाव से संगठन के प्रति समर्पित रहकर कार्य करेंगे। उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि अब तक जितने भी संगठन बने हैं उनमें सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही हुई है, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। IFWJ के गठन से प्रतापगढ़ जिले के पत्रकारों को लाभ मिले तो ही इस संगठन का महत्व। बैठक में यह संगठन मंत्री यूनुस मंसूरी ने भी पत्रकारों के साथ आने वाली समस्याओं के बारे में बात रखी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राकेश सोनी ने कहा कि निश्चित ही पत्रकारों के साथ कई तरह की समस्याएं चुनौती के रूप में होती है, किंतु पत्रकार वही है जो चुनौती का सामना करते हुए अपनी बात को बेबाक तरीके से रखे। राजस्थान से जुड़ी हर खबर सबसे पहले प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रिपोर्ट एक्सक्लूसिव और पाएं राजस्थान की हर छोटी बड़ी हलचल बस एक क्लिक में सीधे आपके।